नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने जीवन काल में स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं बहुत ही बड़े अद्भुत चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, और ये चमत्कार होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। दोस्तों आप इन्हें खुद ही रोक सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का यह चमत्कार आपके आंखों के सामने हो, आपका जीवन देखते ही देखते बदल जाए, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें। और दोस्तों अपने जीवन काल के महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा समय निकाल कर आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, इस वीडियो में हम आपको वह जानकारी देने वाले हैं जिन्हें जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सच्चाई भी बताएंगे जिनसे भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न नहीं होते, जिनसे भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यश में भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन काल में बड़े ही चमत्कार करने वाले हैं। तो दोस्तों इनके पीछे क्या रहस्य है, और दोस्तों अब आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, और दोस्तों कैसे बड़े बदलाव आप सभी के जीवन काल में अब होने वाले हैं। दोस्तों इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो का कण कण आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, आपके जीवन काल के सबसे बड़े महत्वपूर्ण फैसले होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को हम इतना ही निवेदन करेंगे कि भूल कर भी मिस ना करें और अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर ही कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी का शिव आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल की आर्थिक तंगियाँ आप सभी के समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, बहुत ही परम ज्ञान से, जो कि दोस्तों कर्म से जुड़ा है। और दोस्तों इस कलयुग में हर एक इंसान को कर्म को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यह बात नहीं जानते हैं, या फिर जानते हैं तो उनसे अनजान हो जाते हैं कि कर्म से कुछ नहीं होता, हम जो करते हैं उनका विपरीत ही होता है, हम अच्छा करते हैं तो हमारा बुरा ही होता है। लेकिन उन्हें सब्र नहीं रहता कि आखिर हमारे कर्मों का फल कब मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म से जुड़ा यह ज्ञान आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा एक मंत्र होने वाले हैं। कलयुग में जीवन जीने का सबसे बड़ा मंत्र सफलता की चाबी कहें तो दोस्तों वह आपका कर्म है। अगर आपका कर्म बहुत ही ज़्यादा प्रिय शुद्ध और संपन्न है तो दोस्तों यकीन मानिए आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ईश्वर के समीप हैं, ईश्वर के जो भी इच्छा है उनसे आप खुश हैं। जी हाँ दोस्तों, यह निर्धारित करता है। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति की आंख ने पेड़ पर फल देखा तो उस व्यक्ति के मन में लालसा जागी। आंख तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने फल खाए और वह फल गए पेट में। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि वो पेट में चला गया। और जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू निकल गए आंखों में, क्योंकि सबसे पहले फल देखा था आंखों ने ही। जी हाँ दोस्तों, तो कर्म का सिद्धांत बस यही है कि आप जो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी इन बातों में अंधविश्वास मत कीजिएगा कि कर्म से कुछ नहीं होते, अच्छे कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता है, यह बात आप आज से ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह परम ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो, इनमें सच्चाई लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर ही कीजिएगा। और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि आज शाम से आप सभी के जीवन काल में भगवान
भोलेनाथ के आशीर्वाद से कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, आपको क्या करना है और दोस्तों कौन से कार्य अब आपको नहीं करना है। दोस्तों बहुत ही गहरी जानकारी के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही दिल थाम कर अंत तक देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इंसान अपने जीवन काल में सुखी रहने के लिए क्या नहीं करता। अपने जीवन काल के हर एक वह कार्य करता है जो इंसान कर सकता है। और दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में पिछले कई समय से बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिनका परिणाम भी आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपके संपन्न नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों उनमें आप मायूस होते हैं, कभी कभी ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को यह बात बताना चाहेंगे कि जितना आपको ईश्वर ने दिया है वे आपके लिए काफ़ी है, बशर्ते आपको उसकी मोल को समझना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ईश्वर के दिए इस मोल को समझ जाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए खुशी के आंसू आपकी आंखों से आएंगे और आप भी कहेंगे कि हे ईश्वर, हमने आप पर शक किया, हमें माफ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ऐसे ही प्रकृति के निर्माण, घटना का निर्माण, कुछ ऐसे ही चमत्कार आज आप सभी के जीवनकाल में होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह समय से शिव नाम का सुवियोग का निर्माण आप सभी के जीवनकाल में होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आपकी राशि को अब पूरी तरह से यह शिव नाम का सुवियोग बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले से ही शनि की जो युति थी आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही बेहतर फल दे रहे थे, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आप सभी के जीवनकाल में अब शिव नाम का सुवियोग का निर्माण हुआ है, जिनके कारण से दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में बल के साथ साथ अब आपको ईश्वर का ऐसा समर्थन मिलेगा कि दोस्तों आपके सारे रास्ते खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले भगवान शनिदेव कर्म के देवता आपको बहुत सारे रास्ते दिखाए हैं, जिनमें दोस्तों आपने कार्य किए हैं, बहुत सारे लोगों ने पेशे इन्वेस्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने नया कार्य शुरू किया है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कैसे उस कार्य को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप जो कार्य कर रहे हैं उनमें दुगुनी लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब आपका वह दौर आया है, क्योंकि शिव नाम का सुवियोग अब आप शिव के राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिनके अनुसार दोस्तों आपको बहुत सारे से सोचने की क्षमता बढ़ने वाली है, बहुत सारे से अच्छी सोच आप सभी के मस्तिष्क में आने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आपकी जो सफलता की ऊंचाई है वह बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इनमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे, वरना दोस्तों ये ग्रहों का जो शुभ फल है इनका विपरीत फल आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कौन सी बातों को अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले दोस्तों आपको हम वह बात बताते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ईश्वर सभी के जीवन काल में प्रसन्न नहीं होते, ईश्वर उन्हीं के जीवन काल में प्रसन्न होते हैं जिनके अच्छे कर्म, जिनके दिल साफ और जिनके जीवन काल में ईश्वर के प्रति सद्भाव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप पिछले कई समय से ईश्वर से जुड़े हैं, पिछले कई समय से आप सभी के जीवन काल में ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ आई है जिनमें आप बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं, जिनमें आप कुछ गलतियाँ भी किए हैं, आप जानते हैं कि यह कार्य गलत है, दोस्तों आपने हुआ कार्य भी किया है, लेकिन दोस्तों आपके जो दिल है उनमें कभी भी ईश्वर के प्रति गलत भावना नहीं है, आप हमेशा ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते आए हैं। और दोस्तों यही कारण है, यही जो आपका भाव है, ईश्वर को आपकी तरफ लाया है और ईश्वर भी आपको एक नए मौके दिए हैं, एक बार फिर मौका दिया है। तो दोस्तों यह मौका को आपको अब नहीं छोड़ना है, यह मौका को अब आपको नहीं छोड़ना है और दोस्तों फिर से आपको अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी है। तो दोस्तों जीवन की नई शुरुआत करने के लिए आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आज से ही अब आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों सर्वप्रथम यह बात है कि कभी भी आज से ही अपने जीवन काल में अपने मुख से आपको विशेष शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो कि दोस्तों आपके हित के लिए ना हो। जी हाँ दोस्तों, विशेष शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो कि दूसरों को छल पहुँचाए, दूसरों को तकलीफ दे। जी हाँ दोस्तों, इनसे हमेशा मंगल खराब होता है और दोस्तों मंगल के प्रभाव से आपके कार्य बिगड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कार्य आप कर रहे हैं वह कार्य भी ध्वस्त हो जाता है और दोस्तों जिन क्षेत्रों में आपने पेशा इन्वेस्ट किया है दोस्तों उनमें आपको घाटा लग जाता है। तो दोस्तों अब से आपको अपने जीवन काल में ऐसे शब्दों का बस प्रयोग नहीं करना है जो कि दूसरों को छल दे, दूसरों को घात पहुँचाए। जी हाँ दोस्तों, अपने से बड़ों का अब आपको सम्मान करना है, दोस्तों ऐसे सम्मान नहीं जैसे आज के दौर पर लोग करते हैं, सामने सम्मान और पीठ पीछे उनके प्रति गलत भाव, दोस्तों ऐसा आपको भूल कर भी
नहीं करना है। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि कलयुग में बहुत सारे लोगों की क्षमता, सोचने की क्षमता अलग होती है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हम कुछ भी सोच ले, ईश्वर हमारे ऊपर एक ही चीज सोचते हैं, वह है हमारा भाव। जी दोस्तों, भाव से ही कर्म प्रकट होता है और दोस्तों वही कर्म से ईश्वर हमें हमारी सफलताओं का फल देता है, हमारे कर्मों का फल देता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी को सम्मान दें तो दोस्तों आपको उन्हें दिल से सम्मान देना है। जी हाँ दोस्तों, और यही सम्मान आप सभी के जीवनकाल में आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी अपने जीवनकाल में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों, अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि यह पैसा खर्च करना जरूरी है या फिर नहीं। दोस्तों बिना सोचे समझे पैसे को खर्च कर देना या फिर लापरवाही से कार्य करना, दोस्तों इनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, इनसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिनसे दोस्तों आर्थिक तंगियां गिरने लगती है, क्षण क्षण में पैसे की कर्ज बढ़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, और कर्ज से व्यक्ति का जीवन फिर से उसी गड्ढे में चला जाता है जहाँ से व्यक्ति को लगता है कि अब हम कभी भी ऊपर जा नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, तो सोच समझ कर ही अब आपको पेशे का खर्च करना है, पेशे को कहीं भी लगाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आपके जीवनकाल में यकीन मानिए ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ का, भगवान श्रीदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि जो भी आपने पिछले समय गलतियाँ की है उनका पश्चाताप करने के लिए आपको ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर का साथ रहना है, ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर हमें क्षमा कीजिए। अपने आप जिन्हें भी मानते हैं, जिस भी देवता को मानते हैं, उनका नाम लेकर अपने आँखों के जो पलक है उन्हें बंद करके अपने मन से ईश्वर से बात करना है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चाहें तो दोस्तों दिन में कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सुबह के 3 से 5 बजे का जो समय है दोस्तों, इनसे आपका मन ईश्वर से सीधा जुड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह समय आपकी मन की ध्वनि ईश्वर के पास जाती है। तो दोस्तों सुबह के 3 से 5 बजे के बीच उठकर आपको इस क्रिया को करना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों, सुबह उठकर आपको नहा धो के तैयार होना है और दोस्तों इस अध्ययन में लगना है, ईश्वर का जो है स्मरण करना है। ईश्वर को जागृत करने के लिए आपको अपने जीवनकाल में अपने गलतियों को स्वीकार करनी है और दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, हमसे जो भी भूल हुई है, हमसे जो भी गलती हुई है, उन्हें क्षमा कीजिए। आशय हम आपके शरण में आना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर से हमेशा अपने गलतियों को स्वीकार करने के बाद कहें कि हे ईश्वर, अब हमें आगे चलने की रास्ता दीजिए। हम आप में खुद को समर्पित करते हैं, हमारे जीवनकाल की जो भी गलतियाँ हैं आप उन्हें अबोध समझकर क्षमा कर दीजिए हे प्रभु। दोस्तों इनका आपको जो है अध्ययन करना है, यह प्रार्थना करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि कुछ उपाय आपको करना है। जैसे कि दोस्तों माता लक्ष्मी को मजबूत करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन गायत्री मंत्र का पाठ करना है, माता लक्ष्मी का आरती करना है। और दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी आप आरती करते हैं दोस्तों, जब भी आप उनमें कुछ भी भोग लगाते हैं दोस्तों, उनका वितरण आपको पूरे परिवार के साथ करना है और जो भी लोग आपके सामने दिखे उन्हें भी आप प्रसाद जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को एक खास उपाय बता दें कि आपको नित्य प्रातःकाल भगवती लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करके दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना है। इनसे दोस्तों आपको जो भी धन लाभ में दिक्कतें आ रही है उनमें फिर से आपका धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। काले मिर्च के 5 दाने अपने सिर पर से 7 बार घुमाकर 4 दाने को 4 दिशाओं में फेंक दें तथा 5वें दाने को आकाश की ओर उछाल दें। दोस्तों यह उपाय करने से अचानक से धन लाभ होगा और वैकुंठ में बैठे हरीश्वर का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों पीपल के एक पत्ते पर राम लिखकर तथा उस पर कोई मिष्ठान रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। दोस्तों इससे अवश्य धन लाभ होगा, साथ ही साथ महाबली हनुमान जी भी आपसे प्रसन्न होंगे। शनिवार के दिन पीपल का एक अखंडित पत्ता तोड़ लाएं, फिर उसे गंगा जल से धोकर उसके ऊपर हल्दी तथा दही के घोल से अपने दाएं हाथ से अनामिका उंगली द्वारा एक वर्ग के भीतर हींग अंकित करें। तत्पश्चात धूप दीप दिखाकर यह पत्ता मोड़कर अपने बटुए में रख लें। दोस्तों फिर देखें आपके जीवनकाल में कभी भी पेशों की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों इनसे पेशा
खिस्ता आप सभी के जुनकाल में आएगा, जिनसे मानव के जुनकाल में धन का आना बहुत ही तेज हो जाता है। दोस्तों इनसे आपके जुनकाल में जो भी गलती है उन गलतियों को आप सामने से देख पाएंगी और केशी आपको अपने जुनकाल में अच्छा कार्य करना है, अपने कार्यों को केशी सुधारने हैं। दोस्तों ये सभी बातों का एहसास आपके अंदर होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को एक बात बता दें कि जब भी आप यह उपाय करते हैं तो दोस्तों मन में कोई भी किसी भी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए, ईश्वर के प्रति सद्भाव होना चाहिए। दोस्तों जो भी आप उपाय करते हैं पूरे दिल से कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं कि हम कह रहे हैं तो आप कर रहे हैं। दोस्तों उनमें आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विश्वास से किया गया आपका उपाय हमेशा ईश्वर के पास जाएगा और ईश्वर का फल मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और जीवनकाल की सारी बधाएं आपके धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाएंगे और जो भी आपकी आर्थिक तंगियां हैं, जो भी आपके जीवनकाल में दुख दर्द समस्याएं चल रहे हैं, दोस्तों निश्चित ही आपको उन सभी से मुक्ति मिल जाएगा और जीवनकाल में आपकी एक नए जीवन की शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। साथ ही दोस्तों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।